हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहां पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और स्किप मत कीजिएगा, यहां पे आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं कि यहां पे जो आपका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे, तो पिछले 2 सालों से किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप मिली है, कितने छात्रों की स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ये सब ऑफिशियली न्यूज है। और यहाँ पे जो छात्रों के स्टेटस तो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रों के स्टेटस, यानी किन छात्रों के स्टेटस में बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इनका फॉर्म DW की तरफ से 5/2/2023 यानी कि 5 फरवरी 2023 को इनका फॉर्म जो है DW की तरफ से वेरीफाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। फ्रेंड, यहाँ पे एक आपको स्टेटस और दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 5/2/2023 को इनका जो फॉर्म है TW की तरफ से वेरीफाइड किया गया, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। देखिए, तो बहुत सारे छात्रों का जो फॉर्म है ये मतलब बीते कुछ दिन से, यानी कि अगर बात करें तो 31 जनवरी से, ठीक है ना, 31 जनवरी के छात्रों के फॉर्म में जो स्टेटस है ये चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जितने छात्रों के फॉर्म में चेंजेस हुए हैं वो अधिकतर फॉर्म वेरीफाइड किए गए हैं, उसमें से अभी किसी भी छात्र का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है, या तो वहां पे कुछ ना कुछ मतलब रॉन्ग दिखाई दिया है। तो 31 जनवरी से कंटिन्यूअसली, यानी 31, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार ऐसे जो बच्चों का जो फॉर्म है वेरीफाइड किया जा रहा है DW की तरफ से। और ये जो फॉर्म है किनका वेरीफाइड किया जा रहा है, यहां पे जिनका भी यहां पे पेंडिंग शो हो रहा था, ठीक है ना, जिनका भी यहां पे पेंडिंग शो हो रहा था, उन सभी छात्रों का फॉर्म जो है अब DW की तरफ से वेरीफाइड किया जा रहा है। मात्र पेंडिंग वाले छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड किया जा रहा है, चाहे वो 11 क्लास के हों, ओके, चाहे वो 12 क्लास के हों, चाहे वो BA हो, BSc हो, MA, MSc, BA, DLED, किसी भी कैटेगरी यानी किसी भी कोर्स के छात्र हो, चाहे आप 9th हो या फिर 10th हो, ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी के छात्र हो, तो सबका फॉर्म अगर यहाँ पे पेंटिंग शो हो रहा था, उनका फॉर्म जो है वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीधी सीधी बात कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी यहाँ पे पेंटिंग शो हो रहा था, उन सभी छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग कंटिन्यूसली अपने फॉर्म का जो करेंट स्टेटस है उस पर विजिट करते रहिए और उसको आप देखते रहिए, ठीक है ना। तो ये रही उन छात्रों का जिनका फॉर्म जो है लगातार चेंज हो रहा है। इन छात्रों की छात्रवृत्ति है, यहाँ पे 20 फैब से पहले उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, तो उनको परेशान या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने हमको कमेंट किया जो मतलब ऑथेंटिक और सही कमेंट, जिनको हमको मतलब जरूरत थी देने की, तो यहाँ पे मैं उसको ले लिया हूं। जैसे यहाँ पे देखिए रेहान अहमद जी कह रहे हैं कि भाई मैं सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मैं माइनॉरिटी से हूँ, यहाँ पे देखिए साफ-साफ मेंशन किया हुआ है कि भाई मैं माइनॉरिटी से हूँ और पिछली बार नहीं आई स्कॉलरशिप ड्यू टू अनएबिलिटी फंड की वजह से। तो देखिए, मैंने पहले ही वीडियो आपको बना दिया था और बता दिया था कि देखिए जो गवर्नमेंट है फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद भी यहाँ पे बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो नहीं देती है। यहाँ पे देखिए सेकेंड कमेंट आपके सामने है, आसमी सिंह है जो यहाँ पे कमेंट किए हैं कि सर करेक्शन स्टेटस में मार्क इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा ऐसे करके सो रहा है, तो ये स्टेटस है कब तक सही होगा। तो ये जो है मतलब बहुत सारे बच्चों में ऐसे जो करंट स्टेटस है ये सो हो रहा था। तो मैं भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म सही होने का डेट है ये 3 फरवरी से स्टार्ट होगा, 3 फरवरी से स्टार्ट होगा, और 17 फरवरी के बीच में जितने भी करंट स्टेटस में कुछ ना कुछ गलतियां शो हो रही थी उनका 3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में उनका सही कर दिया जाएगा। और इसी बीच जिनका फॉर्म सही पाया जाएगा उनको वेरीफाइड किया जाएगा, और जिनका फॉर्म मतलब रॉन्ग होगा, कुछ गलत भरे होंगे, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। फ्रेंड, वहां पे सानिया अजीत भी वही कमेंट की है, मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महफूज आलम जी कमेंट किए हैं कि सब लोग ट्विटर अभियान कराइए सर से बोल के। देखिए आप लोग को हम सिंपली सी बात बताते हैं कि ट्विटर अभियान से कोई यहाँ पे गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब ये अगर ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की नाराजगी है वो ज्यादा बढ़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना डेट जो है मेंशन किया हुआ है, उन्होंने अपना जो जितना भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया है कि इतने तारीख को
बच्चे की स्कॉलरशिप आएगी, यहाँ से यहाँ तक बच्चे का फॉर्म वेरीफाइड या फिर रिजेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्म है वो एनआईसी सत्यापित करेगी या फिर ब्लॉक करेगी, तो सारा शेड्यूल इन्होंने मेंशन कर दिया है। ट्विटर का बात कब आएगा, जब बच्चों में यहाँ पे मतलब जब उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, यानी कि फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद भी, जैसे बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वेरीफाइड हो गया ठीक है ना, उसके बावजूद भी उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, तो वहां पर ट्विटर कैंपेन मतलब इफेक्ट करता है कि वहां पर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए कि कुछ मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी बन पाए कुछ और मतलब DWO को प्रोवाइड करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। तो अभी ट्विटर करने का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब उसकी बारी आएगी तो यहाँ पे वो भी किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो आप लोग को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बस आप लोग बस ये थोड़ा सा सोचिए कि मेरा फॉर्म बस वेरीफाइड हो जाए, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया तो यहाँ पे हम लोग ट्विटर करके या फिर कोई ना कोई यहाँ पे अलग से ऑप्शन निकाल के यहाँ से अभियान चलाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे क्या हो सके, स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। ओके, यहाँ पे फ्रेंड महक मौर्य जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सर जी अभी सर जिसका फॉर्म अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है उनका कब तक हो जाएगा। देखिए जिनका फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि 3 फरवरी से लेकर 16 या 17 फरवरी के बीच में जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड नहीं है उनका फॉर्म DWO से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड ये रही उन लोगों की जहां पे उन्होंने कमेंट किया है जिसका रिप्लाई देना जरूरी था। अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आप लोग को जो भी जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूं कर देता हूं, और जो भी सबके लिए यहां पे जानकारी रहेगी मैं यहां पे वीडियो में आपको बना के दिखा देता हूं। अब हम बात करेंगे कि पिछले 2 सालों से यानी पिछले 2 वर्षों में किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप मिली है, गवर्नमेंट ने कितना फंड दिया है बच्चों के लिए और कितने लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है, उसके लिए आपको हम लेके चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हम आ गए हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल होम पेज पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस बार 74.5 लाख छात्रों ने अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन हुआ है 74.something लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, मतलब फाइनल फॉरवर्ड कर दिया गया है इंस्टीट्यूट से। और इस बार लमसम यानी कि लगभग अबाउट कितने छात्रों का मतलब स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है, इसके पहले आपको हम विगत 2 वर्षों का जो भी मतलब डाटा है उसको हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए ये ऑफिशियल न्यूज है और ये ऑफिशियल है, यहाँ पे कोई फेक नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क परिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो मैंने डाटा लिया है 2019-20 का ये डाटा है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी जनरल यहाँ पे 5 कैटेगरी में ये लोग डिवाइड किए हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरी यानी कि यहाँ पे देखिए जो बेनिफिशरी का मतलब है कि छात्र स्टूडेंट जो भी आप लोग कह लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट जो भी कह लीजिए यहाँ पे को बताया गया है। देखिए ओबीसी यहां पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो ओबीसी का यहां पे बताया गया है कि ओबीसी में 20,23,238 छात्रों को स्कॉलरशिप मिला था, मतलब 2019-20 की बात करें। और यहां पे एसटी का आप लोग देख सकते हैं कि 13,60,376 बच्चों का मिला था, और एसटी कैंडिडेट 17,077 और माइनॉरिटी कैंडिडेट का यहां पे आप लोग देख सकते हैं ठीक है ना, तो माइनॉरिटी कैटेगरी का फ्रेंड यहाँ पे 4,04,362 कैंडिडेट को मिला था। और यहाँ पे जनरल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ना, यहाँ पे 6,99,359 कैंडिडेट जनरल से थे, यानी कि टोटल अगर बात करें ठीक है ना, तो टोटल अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो यहाँ पे 45 लाख ठीक है ना, 45 लाख छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिया गया था 2019 में। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बजट देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना मतलब बजट पेश किया गया था। अब यहाँ पे देखिए 2019-20 में ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिला था, रीजन क्या था कि 2019-20 में मतलब इलेक्शन था ठीक है ना, इलेक्शन था, तो इलेक्शन को देखते हुए ये लोग क्या किए थे, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे स्कॉलरशिप देने की कोशिश की गई थी ठीक है ना। 45 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, रीजन क्या था कि उस समय चुनाव था, आप लोगों की पता था कि 19-20 में चुनाव है, और उसी को देखते हुए ये लोग क्या किए थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दिए थे ठीक है ना। अब यही हम डाटा आपको दिखाएंगे 2020-21 ठीक है ना, दिखा देते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख लीजिए ये डाटा है 2020-21 में, और यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देखिए ओबीसी है, डायरेक्ट जो ओबीसी का 20 लाख छात्रों को मिल रहा था स्कॉलरशिप, यहाँ पे डायरेक्ट 12 लाख कर दिया गया है ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे 8 लाख छात्रों को वंचित कर दिया गया था। जैसे आप लोग को पता है कि समय के साथ मतलब स्टूडेंट बढ़ते हैं ठीक है ना, जैसे कि 2019-20 में ये लोग 20 लाख छात्रों के दिए थे, तो डायरेक्ट आगामी यानी कि 2020-21 में इनको डायरेक्ट 20 लाख
से ऊपर यानी 21 लाख 22 लाख या फिर 25 लाख छात्रों को देना चाहिए था, तो ये लोग नहीं दिए थे। बाकी मतलब पिछले साल की तुलना में ये लोग देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि टोटल 26 लाख यानी कि 26 लाख कैंडिडेट को ही यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया गया था, और पिछली बार यहाँ पे डायरेक्ट 45 लाख छात्रों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट 20-21 लाख छात्र को इन्होंने डायरेक्ट हटा दिया था, मतलब आगामी अगले वर्ष में। रीजन क्या था, क्योंकि इस बार चुनाव नहीं थे, ठीक है ना, तो ये लोग देना नहीं चाहते। वैसे भी मतलब इन लोगों का बस यही एस्टीमेट होता है कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख टोटल छात्रों को मिला के देते। और यहाँ पे आप लोग अमाउंट भी देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत 2022-23 में बात करें तो यहाँ पे 74 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, 74 लाख फॉर्म भरा है। तो आप लोग यही मान के चलिए कि अगर ये लोग कितना भी कोशिश कर लें तो ये लोग 50 लाख ऊपर से अगर प्रेशर बनाया जाए, तो अगर ट्विटर कैंपेन, ठीक है ना, अगर आंदोलन किया जाए तो ये लोग 50 लाख छात्रों को दे सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहां से 25 लाख छात्र तो वंचित ही होंगे, ओके। तो अगर ज्यादा बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आप लोग को ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं कि स्कॉलरशिप से वंचित ना हो, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को यहाँ पे अगर ट्विटर कैंपेन चला रहेगा तो ट्विटर कैंपेन यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए जो भी हेल्पफुल हो पड़ेगा हम लोग मिलकर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एकत्र भी होंगे, जितने भी यूट्यूबर है, कोशिश यही किया जाएगा कि सारे लोग मिलकर यहाँ पे कैंपेन चलाया जाए। तो अभी इसकी नौबत नहीं आई है, धीरे धीरे जब डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अनुमान लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कितने मतलब जो है अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।